हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं द कैंटरबरी टेल्स बाय जोफ्री चौसर। चौसर के द्वारा लिखी हुई है कैंटरबरी टेल्स, इसके बारे में लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। इसका इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कैंटरबरी टेल्स के बारे में कि कैंटरबरी टेल्स में क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग वर्क है इनका, जोफ्री चौसर का। तो इसमें केवल इंट्रोडक्शन बताया है हमने और इसके आगे के वीडियोज में आगे इसके बारे में बताएंगे। इसी तरीके से हम अपने चैनल पर लिटरेचर से रिलेटेड नोट्स लेकर आते रहते हैं, वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं कैंटरबरी टेल्स। इट इज रिटन बिटवीन 1387 टू 1400। ये 1387 से 1400 के बीच में लिखी गई। द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नैरेटेड बाय 29 पिलग्रिम्स। कैंटरबरी टेल्स जो है स्टोरीज का कलेक्शन है, जिसे जो स्टोरीज हैं वो कही गई हैं, नरेट की गई हैं 29 पिलग्रिम्स के द्वारा ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ मार्टियर। उनके मतलब वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, मार्टियर सेंट थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी। कैंटरबरी में सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन है, वहाँ वो जा रहे थे पिलग्रिम्स। उनकी जो यात्रा थी, ट्रैवल जो वो कर रहे थे पिलग्रिमेज के लिए, जिसे हम कहते हैं किसी रिलीजियस स्थान पर जाना, धार्मिक जगह पर जाना, तो तीर्थ यात्रा जिसे हम कहते हैं, तो ये पिलग्रिम्स सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन में जा रहे थे, कैंटरबरी में जा रहे थे। और जाते समय यानी कि जो स्टोरीज कही गई हैं वो 29 पिलग्रिम्स के द्वारा कही गई है जब वो अपनी ट्रैवल पर, यात्रा पर जा रहे थे। दे ट्रैवल फ्रॉम लंडन टू कैंटरबरी। और वो कहां से कहां जा रहे थे, लंडन से कैंटरबरी जा रहे थे। जो श्राइन है सेंट थॉमस बैकेट की वो कैंटरबरी में है। ऑल द पिलग्रिम्स गैदर एट टेबार्ड इन। और सभी पिलग्रिम्स कहां इकट्ठे होते हैं, टेबार्ड इन में इकट्ठे होते हैं। एक इन है, सराय है, जहां वो इकट्ठे होते हैं। साउथ वार्क इन प्रिपरेशन फॉर देयर पिलग्रिमेज। जो इन है वो साउथ वार्क में है और वो वहां इकट्ठे होते हैं सभी पिलग्रिम्स। किस लिए? इन प्रिपरेशन फॉर देयर पिलग्रिमेज, अपने पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा की तैयारी के लिए सभी पिलग्रिम्स जो है वो टेबार्ड इन में इकट्ठे होते हैं। हैरी बेली द होस्ट ऑफ द इन। इन जो है सराय जो है उसका जो होस्ट है वो है हैरी बेली। सजेस्ट अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। वो सजेस्ट करता है कि एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट किया जाए, एक कंपटीशन किया जाए स्टोरी टेलिंग का, अकॉर्डिंग टू विच जिसके अनुसार द पिलग्रिम विद द बेस्ट स्टोरी, और जिस पिलग्रिम की स्टोरी सबसे बेस्ट होगी, वुड बी अवॉर्डेड एन एलिगेंट डिनर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो उसे ट्रिप के एंड में एक डिनर अवार्ड किया जाएगा, वो भी किसके बिहाफ पर, यानी कि बाकी के जो पिलग्रिम्स हैं उन वो कॉस्ट मतलब जो प्राइस होगी डिनर का, जो भी खर्चा होगा वो सब बाकी के जो पिलग्रिम्स हैं वो देंगे, और अवार्ड किया जाएगा उस पिलग्रिम को जिसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। ये कॉन्टेस्ट सजेस्ट किया होस्ट ने, जो इनका होस्ट है हैरी बेली। द होस्ट हिमसेल्फ बिकम्स द जज ऑफ द कॉन्टेस्ट। जो होस्ट है वो खुद जज बन जाता है उस कॉन्टेस्ट का, वो जज करेगा कि किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा बेस्ट थी। चौसर ओरिजिनली प्लान्ड दैट ईच करेक्टर शुड नैरेट फोर टेल्स। चौसर ने वास्तव में ये प्लान किया था कि जो भी करेक्टर हैं वो सब फोर टेल्स नैरेट करेंगे, यानी कि हर करेक्टर फोर टेल्स नैरेट करेगा। ये चौसर का ओरिजिनल प्लान था। बट आउट ऑफ द ओरिजिनल 120, लेकिन जो ओरिजिनल 120 थी उनमें से ओनली 24 टेल्स गॉट रिटन। केवल 24 टेल्स ही लिखी गई। द बुक ऑल्सो कंटेन्स अ जनरल प्रोलोग। जो बुक है कैंटरबरी टेल्स, इसमें एक सबसे पहले जनरल प्रोलोग दी गई है, यानी कि जो टेल्स के बारे में बताया गया है, पिलग्रिम्स के बारे में जो बताया गया है उसके उससे मतलब पहले सबसे पहले एक जनरल प्रोलॉग दिया गया है, उसके बाद टेल्स दी गई हैं।
तो कैंटरबरी टेल्स जो बुक है कंटेन्स अ जनरल प्रोलॉग, इसमें एक जनरल प्रोलॉग है विच प्रोवाइड्स द करेक्टराइजेशन ऑफ द पिलग्रिम्स, जिसमें पिलग्रिम्स का करेक्टराइजेशन उनके बारे में बताया गया है, पिलग्रिम्स के बारे में, उनके करेक्टर्स के बारे में कि कौन पिलग्रिम्स हैं और वो क्या करते हैं, किस प्रकार के हैं, सभी चीज उनके बारे में बताई गई है जनरल प्रोलॉग में। द पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो पिलग्रिम्स हैं वो सोसाइटी के सभी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को, फ्रॉम जेंट्री टू हम्बल क्राफ्ट्समैन, यानी कि जेंट्री से लेकर हम्बल क्राफ्ट्समैन तक सभी तरह के पिलग्रिम्स हैं। द ओनली एबसेंटीज आर द लेबरिंग पुअर, केवल उसमें कौन कौन नहीं है, केवल जो लेबरिंग पुअर होते हैं यानी कि जो लेबर मजदूर जो होते हैं केवल वो इसमें पिलग्रिम्स में शामिल नहीं है। अनेबल टू अफोर्ड अ पिलग्रिमेज ऑफ दिस काइंड, क्योंकि वो इस तरह के पिलग्रिमेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बस वो शामिल नहीं है, बाकी हर तरीके के पर्सन इसमें शामिल हैं। देयर आर रिस्पेक्टेबल पीपल फ्रॉम द वेरियस क्लासेस, रेस्पेक्टेबल पीपल भी हैं इसमें, जो पिलग्रिम्स हैं वो रेस्पेक्टेबल पीपल भी हैं फ्रॉम वेरियस क्लासेस, जो अलग अलग क्लासेस से डिपेंड बिलोंग करते हैं, सच एज जैसे कि द नाइट, नाइट है, पार्सन है, एंड द ह्यूमैन, ह्यूमैन। बट द एम्फेसिस फॉल्स मेनली ऑन करेक्टर्स, लेकिन जो जोर दिया गया है वो केवल उन करेक्टर्स पर दिया गया है हु आर प्रिटेंशियस, जो प्रिटेंशियस हैं, प्रिटेंशियस यानी कि जो दूसरों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं। स्कर्लस है यानी कि जो अब्यूजिव हैं, अब्यूजिव टाइप के हैं। मैंडेशियस यानी कि जो डिसऑनेस्ट हैं, मतलब बेईमान हैं, उनके लिए कहा गया है। एवरेशियस यानी कि जो ग्रीडी टाइप के हैं, लालची हैं, एंड लेचरस यानी कि जो लस्टफुल हैं। इस तरह के करेक्टर्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जेनर है इसका कैंटरबरी टेल्स का, वो जेनर है इसका सेटायर, सेटायर के रूप में लिखी गई है कैंटरबरी टेल्स। द टेल्स मोस्टली रिटेन इन वर्स, अधिकतर जो टेल्स है वो वर्स में लिखी गई है, ऑल दो सम आर इन प्रोज, लेकिन कुछ टेल्स प्रोज में भी लिखी गई है। ड्राइडन रीरोट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश, कैंटरबरी टेल्स को मॉडर्न इंग्लिश में ड्राइडन ने दोबारा से लिखा। तो मॉडर्न इंग्लिश में यानी कि जिस आज जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं वो मॉडर्न इंग्लिश है, उसमें दोबारा से कैंटरबरी टेल्स को लिखा गया, वो ड्राइडन ने लिखी। द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकेशियोस डी कैमरोन, कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्लान है वो कहां से लिया गया है, वो बोकेशियो की डी कैमरोन से लिया गया है। द लॉन्गेस्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज नाइट्स टेल, कैंटरबरी टेल्स की जो लॉन्गेस्ट टेल है वो है नाइट्स टेल, नाइट की टेल है, वो सबसे ज्यादा लंबी है। कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स 17,000 लाइन्स, यानी कि कैंटरबरी टेल्स में कितनी लाइन्स है, 17,000 लाइन्स है। इन कैंटरबरी टेल्स 32 करेक्टर्स मेक द ट्रिप, कैंटरबरी टेल्स में 32 करेक्टर्स ट्रिप को बनाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं। 29 आर मेंशन, 29 को मेंशन किया गया है इन लाइन 24 ऑफ द जनरल प्रोलॉग, जनरल प्रोलॉग में 29 करेक्टर्स को मेंशन किया गया है। द नैरेटर जॉइंस द ग्रुप, उसके बाद नैरेटर ग्रुप को ज्वाइन करता है, मेकिंग 30, तो कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। द होस्ट, जो होस्ट है इनका हैरी बेली, मेक्स 31, जो वो ज्वाइन कर लेता है तो 31 करेक्टर्स हो जाते हैं। द कैनन्स ह्यूमैन, कैनन का जो ह्यूमैन है हु ज्वाइंस द ग्रुप लेटर, जो बाद में ग्रुप को ज्वाइन करता है, इस तरह से वो टोटल हो जाते हैं 32। द नैरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 27 पिलग्रिम्स, नैरेटर डिस्क्रिप्शन देता है 27 पिलग्रिम्स का डिस्क्रिप्शन देता है, केवल 27 पिलग्रिम्स के बारे में बताता है, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, सेकंड नन और नन्स प्रीस्ट को छोड़कर। द वर्क रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट चौसर्स डेथ, जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स का ये अनफिनिश्ड रह जाता है, फिनिश नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता, चौसर की डेथ हो जाती है।
देयर आर फोर करेक्टर्स दैट आर नॉट सेटराइज्ड बाई चौसर. इसमें फोर करेक्टर्स ऐसे हैं जिनको सेटराइज नहीं किया गया है इसमें, बाकी सभी करेक्टर्स को सेटराइज किया है चौसर ने. तो कौन से करेक्टर्स हैं जिन्हें सेटराइज नहीं किया चौसर ने, वो है नाइट, पार्सन, क्लर्क एंड प्लोमैन. इन करेक्टर्स को चौसर ने सेटराइज इसमें नहीं किया है. तो ये कैंटरबरी टेल्स का इंट्रोडक्शन है, कैंटरबरी टेल्स के बारे में इसमें हमने बताया है. आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जनरल प्रोलॉग, यानी कैंटरबरी टेल्स की जो जनरल प्रोलॉग है, टेल्स से पहले जो जनरल प्रोलॉग दिया गया है उसके बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे. तो इसी तरीके से आगे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे लिटरेचर से रिलेटेड. तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपनी अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं. थैंक यू.